आज की क्लास में आप कुछ न्यू इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ पेरोल वाउचर। सो पेरोल वाउचर कैसे होता है, पेरोल में कैसे किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, तो आज मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाने वाली हूँ। होप आप लोग इंटरेस्टिंग होंगे मेरी इस न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने ये कंपनी सेट कर लिया और एक न्यू कंपनी क्रिएट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे आप एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, F11 करेंगे। आपको क्या करना है, आपको F11 करना है और F2 प्रेस करना है। आपको F1 प्रेस करना है। यहाँ पर मेंटेन अकाउंट को यस कर लेना है, पेरोल को यस कर देना है। इसके बाद को यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी को यस कर लेना है। आपको ये तीनों ऑप्शन यस करने के बाद आपको इन तीनों को यस करना है, कंट्रोल ए कर देना है। यहाँ पर कंट्रोल ए होती है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। एस्केप करना है, एस्केप करना है, पेरोल इन्फो पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ग्रुप्स डालने और कैटेगरीज डालनी है। सबसे पहले हमें पेयर्ड्स बनाने हैं। पेयर्ड्स में जाके हम क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लिख के यहाँ पर वो अर्निंग होती है, फिक्स रहती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है, इसको यस कर लेंगे। एज ऑन अटेंडेंस रहती है हमारी बेसिक सैलरी। यहाँ पर आने के बाद आप इसको नोट अप्लीकेबल कर लेंगे। यहाँ पर आकर आपको ओल्ड सी करना है और प्रेजेंट का लेजर बनाना है। प्रेजेंट का लेजर बनाने के बाद इनको आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है और मंथ बेस पे डाल लेनी है। इसके बाद आपको HRA बनाना है। HRA क्या होता है, बेसिकली अगर HRA की बात की जाए तो हाउस रेंट अलाउंस HRA होता है। आपको यहाँ पे डालना है HRA। अर्निंग होती है और ये भी फिक्स रहती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको रखना ऑन कंप्यूटेड वैल्यू। यहाँ पर जाकर स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी से कट करना है। यहाँ पर आकर आपको परसेंटेज में लेना है, तो आपको HRA कितने परसेंट दिए, 16%। आपको यहाँ पे इसको 16% ले लेना है, एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, HRA का होने के बाद आपको एंट्री करनी है TA की। आपको TA बनाना है, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। यहाँ पर आकर ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे आप, मंथ रखेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला रखेंगे, बेसिक सैलरी रखेंगे। यहाँ पर इसको करके परसेंटेज डालेंगे, तो कितने परसेंटेज आपको TA काटना है, आपको 5% TA काटना है। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, DA लेना है। DA भी हमारी अर्निंग है या फिक्स ही रहेगी। यहाँ पर इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखने के बाद ये ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से ये रहेगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी। यहाँ से इसको परसेंटेज ले लेंगे, वैल्यू कितनी है आपकी DA की, 20%। यहाँ से आएंगे आप PF बनाएंगे। PF हमारा क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमेशा डिडक्ट होना होता है एम्प्लॉय की अर्निंग से। ये करंट लाइबिलिटीज में जाएगा आपका, ओन कंप्यूटेड वैल्यू ही होगा। इसको स्पेसिफाइड फॉर्मूला रखेंगे, बेसिक सैलरी होगी, इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, परसेंटेज वैल्यू में दे देंगे। कितना है आपका PF, 12.5%। यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपने ये बना लिया, अब आपको ओवर टाइम बनाना है। आप ओवर टाइम का लेज़र क्रिएट करेंगे। ये क्या होगी आपकी, ये भी अर्निंग ही होगी फिक्स्ड, ये आपकी वेरिएबल होगी, ये आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगी। ओवर टाइम यहाँ पर एज अ ओन प्रोडक्शन पे बेस होगी। ओल्ड सी करेंगे, यहाँ पर आके आप ओवर टाइम का लेज़र बनाएंगे। ओवर टाइम का लेज़र बनाने के बाद यूनिट में ओल्ड सी करेंगे, ऊपर जाएंगे, कंपाउंडों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद ओल्ड सी करेंगे, हावर्स का लेज़र बनाएंगे आप। हावर्स का लेज़र बनाने के बाद आपको यहाँ पे 60 डालना है। यहाँ पे एक और आपको इन दोनों को अब क्वाइट कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपने पेयर्स बना लिए, अब आपको ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स में सबसे पहले हम लिखेंगे मैनेजर। हम मैनेजर की एंट्री कर रहे हैं, मैनेजर लिख लेंगे आप, एक्सेप्ट कर देंगे। मैं आपको एक एंट्री करके दिखा रही हूँ मैनेजर की, बाकी आप ग्रुप्स अपने आप बनाएंगे। एम्प्लॉय में जाएंगे, एम्प्लॉय में मैंने डाल दिया पूजा, क्रिएट पूजा। यहाँ पर ये आने के बाद आपको क्या करना है, मैनेजर के साथ जाना है। मैनेजर लेने के बाद सैलरी डिटेल्स को यस करना है। यहाँ पर आकर सबसे पहले हमने ली बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है पूजा की, हम देख लेते हैं। 18,000 रुपये दिया हमें बेसिक सैलरी। यहाँ पर आकर फिर DA लेना है, HRA, फिर DA, TA, ओवर टाइम। ओवर टाइम हमारे को पूजा ने कितना करके दिया है, 100 आवर्स।
100 hours आपका ओवर टाइम वर्क हुआ है, अब इसको पीएफ को कभी भी आप सबसे पहले नहीं लेंगे। अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स दी है तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज इसको अननोन में डाल सकते हैं आप। इसके बाद आपको क्या करना है, एस्केप करना है एंड देन अगेन एस्केप करना है। आपको एस्केप करने के बाद पेरोल वाउचर्स पे जाना है, यहाँ से आपको प्रेस करना है। अब आपको प्रेस करना है F2 और यहाँ पर आकर आपको डेट डाल देनी है। F2 प्रेस करके 1.5 की क्रिएट करनी है। ऊपर हमारा आएगा कैश, हमने कैश डाल दिया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, प्रेजेंट डे डालना है। प्रेजेंट डे कितने हैं पूजा के, 25 डेज, और पूजा के प्रेजेंट डे 25 डेज है, इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, पूजा ले लेंगे। आप ओवर टाइम कितना है पूजा का ये देख लेते हैं हम। ओवर टाइम आप ओवर टाइम देख सकते हैं, ओवर टाइम पूजा ने जो किया है वो 6 घंटे किया है। यहाँ पर आकर हम इसको कर लेंगे, ये दोनों क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कंट्रोल F4 करना है जिससे कि आप पेरोल में एंट्री कर सके। कैश करेंगे आप, यहाँ पर कैश ले लेंगे, ओल्ड टे करेंगे। ओल्ड टे करने के बाद आपको सैलरी लेनी है। सैलरी लेने के बाद आपको प्राइमरी कैटेगरी, ऑल आइटम्स, एम्प्लॉई नेम, इसको कैश में यस कर देंगे। आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, पूजा को कितने रुपए मिले हैं, आप पूजा को कितने रुपए हमने सैलरी पे की। अब आपको आंसर कहाँ देखना है, आपको डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे आपको गेटवे ऑफ टैली दिखेगा। गेटवे ऑफ टैली में पेरोल, गेटवे ऑफ पेरोल, पेरोल रिपोर्ट्स आ गई। यहाँ पर आप अटेंडेंस शीट चेक कर सकते हैं, देखो 6 घंटे करे हैं, डे कितने थे, 25 दिन थे। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप्स पाएंगे। पे स्लिप पे जाने के बाद आपको सिंगल एंट्री देखनी है या मल्टीपल, आपको सिंगल एंट्री देखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट अमाउंट कितना आया है उनका, टोटल अर्निंग कितनी हुई है। तो आपको अब अगर कहीं पे भी सैलरी रिपोर्ट बनाने के लिए बोला जाए तो आप इजीली सैलरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो को जाके, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोग भी जाइए जल्दी से अपने पीसी पे इसको टैली के सॉफ्टवेयर में करना स्टार्ट कर दीजिए।